अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि जितना आज का सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के रिश्ते आएंगे मिलते रहे। तो व्यूवर्स, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। जी, आज हमारी जौन सी रेसिपी है वो है भिंडी। भिंडी की रेसिपी हम बतवाते बार आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज की जौन सी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है गोश्त के साथ, मतलब गोश्त वाली भिंडी जौन सा हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है कि गोश्त वाली भिंडी जौन सी है वो किस तरह तैयार होगी। तो चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से जानते हैं इसकी तरकीब। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिस्मिल्लाह रहमान। ये मैंने आधा चम्मच हल्दी का डाल दिया, आधा किलो हमारी भिंडी है, दो तीन बड़े बड़े प्याज काटूंगी मैं, ये पौना चम्मच मिर्च का, ये आधा चम्मच नमक का, ये डाल के ना मैं गोश्त गलने के लिए रख दूंगी, फिर भिंडियाँ तल के ना प्याज तल के फिर इसमें डाल। अच्छा, मतलब हम इसके यहाँ पे सेपरेट से दो बार काम करेंगे, जो गोश्त है वो हम लोगों ने पकने के लिए अलग से रखना है और जो भिंडी है उसको हम लोगों ने अलग। इसमें मैंने ना लहसुन प्याज भी डाला है। ठीक है, लहसुन प्याज भी डाला है। तो गोश्त को हम लोग पहले पकने के लिए रख देते हैं और फिर साथ ही भिंडी को भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। हाँ जी, ये काट के, ये काट के। तो प्याज भी हम लोगों ने करने, चले देखते हैं किस तरह ये जौन सी है हमारी रेसिपी तैयार होगी। पहले हम गोश्त पकाते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ जी, प्याज भी हल्के से ना मतलब फ्राई करने हैं, उसके बाद ये भिंडियाँ मैंने डालनी है वो भी डाल दूँगी, फिर गोश्त भी डाल दूँगी। तो भी बस भिंडियाँ जौन सी हम लोगों ने वो भी फ्राई कर ली हैं और प्याज हम लोग यहाँ पर डाले हैं। ये देखें कि भिंडियाँ हम लोगों ने कर ली हैं फ्राई और अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं प्याजों को और इनको फ्राई करने के बाद आपको दिखाते हैं। गोश्त हम लोगों ने अलग से पकने के लिए रख दिया है, जब वो गोश्त गल जाएगा और हमने सारे स्पाइसी जो थे वो गोश्त के अंदर भी शामिल किए हुए हैं और देखेंगे फिर हम लोग जब हम लोगों ने इसको शामिल करना है तो कितनी मज़ेदार सी जौन सी हमारी है और भिंडी गोश्त की रेसिपी वो तैयार होगी। भिंडी कई बार बना चुके हैं लेकिन आज जो हम आपको सिखा रहे हैं वो है गोश्त वाली भिंडी, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना। हाँ जी, ये हमारे हल्के हल्के प्याज हो गए हैं, अब मैं ये टमाटर डाल के, अब भिंडियाँ डालेंगे आप इसके अंदर? नहीं, अभी टमाटर थोड़े से पकाएंगे ना। अच्छा ठीक है, तो टमाटर हम लोगों ने थोड़े से भी पकाने हैं, नरम हो जाएंगे ना, साथ ही गोश्त भून के वो भिंडियाँ दम दे देंगे। अभी नहीं ना हिलाते हैं प्याजों, प्याज थोड़े से नरम हो जाए ना। गोश्त भी गल रहा है तो मोल लेंगे उसे। बस आप देख सकते हैं कि गोश्त भी यहाँ पक रहा है, पक रहा है, बस अब भूनने पे आ गया है। गल पानी को रिड्यूस करना है ना हम लोगों ने। हाँ जी, अब तो पानी को हम लोग खुश कर लेते हैं और फिर इसको भून के, भूनने के बाद हम शामिल करेंगे जो हमारी मेन रेसिपी है भिंडी उसके अंदर। तो भी वेट करते हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये गोश्त अब गल गया, बस भूनना है इसे, पानी खुश्क हो गया है। हाँ जी, ये मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया क्योंकि पहले भी डाला हुआ है ना भिंडियों में प्याजों में, तो बस थोड़ा सा मैं गोश्त भूनने के लिए डाल दिया। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि जौन सा घी वो आ गया है, बबल्स बनने लगे, खुशबू अच्छी आ रही है, इसका मतलब ये कि जो गोश्त है वो बन चुका है और अब हम इसको ऐड करेंगे प्याजों में। हाँ जी, अब हम जा रहे हैं इसको शामिल करने। अच्छा जी, अब ये ना मिक्स कर देंगे। तो आप लोग कि प्याजों में मिक्स किया है इसे और भिंडियां भी हम लोगों ने शामिल नहीं की। हाँ जी, भिंडियां भी डाल दूंगी। अच्छा, ये भिंडियां भी डाल देते हैं। मैंने अच्छी तरह ना मिक्स कर दी है, अब ना मैंने बंद कर दिया। ये तो व्यूअर्स, अब देखते हैं कि जो सी हमारी रेसिपी अब फाइनल हो गई है,
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती जौन सी है, ये खुशबू आई है इसको ओपन करने से, और घी भी आ गया, जो गोश्त है वो भी गल गया, भिंडियाँ प्याज सब कुछ तैयार हो गया है। तो इसको अब हम लोग फाइनल करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूवर्स ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो व्यूवर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।